आज हम पाठ 3 मुद्रा और साख में मुद्रा के विभिन्न रूप, विभिन्न आयाम क्या है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि मुद्रा जो है ऐसी वस्तु है जो लेन देन में, विनिमय में एक अच्छा माध्यम बन सकता है। सिक्कों के चलन से पूर्व अनेकों प्रकार की वस्तुएं जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी। जैसे प्रारंभिक काल में भारतीय अनाज और पशु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे, कांस जैसी धातुओं के सिक्के चलन में आए और उसका चलन जो है सदियों तक, कई दशकों तक होता रहा। अभी जो है वर्तमान समय में करेंसी यानी कागज के नोट और सिक्के मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे वस्तुएं जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके प्रतिकूल जो आधुनिक मुद्रा है, जैसे सोना, चांदी, तांबे के बने हुए सिक्कों से ये नहीं बनी है। साथ ही साथ यह अनाज और पशुओं की तरह से प्रतिदिन के दिनचर्या की वस्तुएं भी नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक मुद्रा जो है इसका अपना कोई प्रयोग नहीं। तो सवाल खड़ा होता है कि यह जो कागजी मुद्रा है, जो करेंसी है, इसको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया जाता है। तो सामान्य सी बात है, बहुत ही आसान उत्तर है इस प्रश्न का कि इसको विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसे किसी भी देश के सरकार इसको प्राधिकृत करती है, जारी करती है। अब हम देखते हैं अपने देश के अंदर इस मुद्रा को, करेंसी को, नोट को कौन जारी करता है। तो अपने देश में भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है
जो सरकार के द्वारा जारी करती है और जो भारत का कानून है उस कानून के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को इसे जारी करने का अधिकार नहीं है, अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत का कानून जो है इसको विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे देश में किसी भी प्रकार के लेन देन हेतु इसके प्रयोग को कोई भी व्यक्ति माना नहीं कर सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनन इसके द्वारा लेन देन को, अदायगी को अस्वीकार नहीं करता, नहीं कर सकता है। इसलिए भारत में बड़े स्तर पर सभी लोगों के द्वारा, पूरे देशवासियों के द्वारा इसको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है।